बिजली के करंट से अपाहिज बालक को मिलेंगे 20 लाख रुपए। लोक उपयोगी लोक अदालत का फैसला, 6 वर्षीय बालक को करंट लगने पर न्यायालय ने बिजली विभाग पर 20 लाख का किया जुर्माना। हालातों से परेशान आदमी हर मंदिर की चौखट पर पहुंचता है, उसकी मुराद उसकी पुकार किसी न किसी भगवान तक पहुंचेगी और उसकी अर्जी स्वीकार होगी। ऐसा ही एक मंदिर और है जहाँ से इंसान को इंसाफ मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यायालय की, जिसे न्याय का मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ एक मासूम को न्याय मिला। देखिए हमारी खास पेशकश। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी विभागों की मनमानी और सुस्त रवैये के चलते आम जनता न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। ऐसा ही एक मामला बड़वानी का सामने आया, जिसमें ग्राम काला खेत के आदिवासी परिवार का 6 वर्षीय मासूम धनालाल बकरी चराने के दौरान 11 केवी की MPEB की लाइन के अर्थिंग से करंट लगने के चलते गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया, जहां लंबे समय तक उसका इलाज चला, जिसमें उसकी जान बच तो गई, लेकिन इस घटना से उस मासूम ने अपना एक हाथ गवा दिया और पांव भी ऐसी स्थिति में आ गया कि उसके लिए दो कदम चलना भी मुश्किल की डगर हो गया। अब वह बगैर सहारे के चल भी नहीं पाता है, उसे चलने के लिए माता पिता का सहारा लेना पड़ता है। मजदूरी और थोड़ी सी खेती से परिवार गुजर बसर करने वाले धनालाल के पिता मशरू भी इसको लेकर परेशान रहने लगा कि अब इस बच्चे का भविष्य क्या होगा और उसके भाई बहन का पेट भरने के लिए उसे छोड़कर मजदूरी पर कैसे जाएं। इसको लेकर धनालाल ने कलेक्टर, SDM, MPEB और थाने के चक्कर काटे, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में उसे लोक उपयोगी लोक अदालत की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने विधिक सेवा में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद उसे वकीलों की फीस दिए बगैर लोक उपयोगी लोक अदालत में केस लगाया, जिसकी सुनवाई लगभग 2 माह तक चली, जिसमें लोक उपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए मौका पंचनामा, MPB की रिपोर्ट सहित अस्पताल में हुए इलाज तथ्य और बयानों को दर्ज कर एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें आदेश जारी करते हुए धनालाल के भविष्य को देखते हुए उसे 20 लाख रुपए की सहायता राशि का हर्जाना MPEB को भरने को कहा गया है। इस आदेश के जारी होने के बाद मसरू और उसके परिवार को जीवन का आधार मिला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी परिजनों को धनालाल को अच्छा पढ़ लिख कर अफसर बनाने की बात कही। इस फैसले के आने के बाद देश की जनता का न्याय के प्रति भरोसा और ज्यादा सशक्त होगा। रश इंडिया न्यूज के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। पैसा मिल गया, ऑर्डर कर दिया, कितना को करियो? 20 लाख। अब तुम्हारा ठीक रहेगा बच्चा के लिए? काई करोगे के पढ़ाओ के लिखाओ काई करोगे? पढ़ाऊंगी आगे, पढ़ाई के काम नौकरी वगैरह मिलता है, उसकी भविष्य सुधर जाए। ये हमारी जो लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत बड़वानी में है, जिसके पीठासीन अधिकारी हमारे लोक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री हेमंत जोशी जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही उल्लेखनीय फैसला दिया है अभी 24 अगस्त को। इसमें धन्नालाल पिता मसरू नाम का 6 साल का बच्चा था, जो बकरी चराने के लिए अपने खेत में गया था। उस खेत के में 11 केवी की लाइन गई हुई थी, उस लाइन के नीचे आने पर इसको करंट लगा और इसकी एक साइड पूरी, एक हाथ पूरा खराब हो गया, एक पैर पूरा खराब हो गया। इस प्रकार उसे 90% स्थायी विकलांगता प्राप्त हुई है। इसलिए से हमारे जो अध्यक्ष हैं लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के, उन्होंने पूरे प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन करने के बाद इसे 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति MPEB से दिलाने का आदेश दिया, जो कि बहुत ही उपयुक्त है और ऐसे प्रकरणों में ऐसी राशि दिया जाना बहुत उचित है। बच्चा अभी 6 साल का है और इसके आगे पूरा जीवन है, इसलिए इसके जीवन के निर्वाह के लिए ये 20 लाख रुपए पर्याप्त। प्रदेश का पहला मामला बताया जा रहा सर, और कितने समय में इसका निराकरण होगा? ये आवेदन अभी 29/6 को लगाया गया था और इसका निराकरण 24 अगस्त 2020 को हो गया है, विदिन 2 मंथ में हो गया है। तो ये इस प्रकार का प्रकरण मैं यहाँ पिछले 3 साल से हूँ, ऐसा पहला प्रकरण आया है और मेरी जानकारी में
ऐसा यह पहला प्रकरण होगा हमारे प्रदेश का जिसमें एक छोटे से बच्चे को विकलांग होने पर 20 लाख रुपए का अवार्ड दिया है। सर माली हालत किस तरह की है ये जो परिवार है इसकी? ये माली हालत बिल्कुल खेती किसानी करने वाले लोग हैं, मजदूर पेशा टाइप के लोग हैं और इनकी आर्थिक स्थिति वैसे बहुत काफी BPL ग्रुप के लोग हैं ये, तो इसलिए बच्चे के भविष्य के लिए 20 लाख रुपए काफी उपयोगी होंगे। सर इस तरह के और मामले हों तो क्या वो कोर्ट तक पहुंच सकते हैं क्या? हाँ ऐसे मामले में कोर्ट में भी दावा लगाया जा सकता है, जिस पक्ष का उसमें लापरवाही के कारण क्षति हुई है इनको उस पक्ष के विरुद्ध, जैसे MP भी है इसमें, उसके लाइन गई थी बिजली की 11 KV, तो उन्हें सावधानी रखना चाहिए था कि उसके क्या क्या सुरक्षा उपाय हो सकते हैं, वो उन्होंने नहीं किए हैं, इसलिए जो इसके लिए उत्तरदायी है उससे दिलाया जा रहा है।